क्षेत्र में थाना मदन महल के अंतर्गत आने वाला सनराइज स्पा सेंटर में नाबालिग लड़कियों को बुलवाकर उन्हें पैसे देकर करवाया जा रहा था व्यापार। आनंद फानंद में अधिवक्ता गण एवं महिला समाज सेवी ने पुलिस बुलवाकर मौके की जांच करवाई और जिसमें मीडिया के एक कमरे में ब्लेड लगे हुए चादर भी मिले। वही स्पा सेंटर के अंदर पूरी तरह अय्याशी करने का अड्डा बनाया गया था, जहां पर मीडिया के कमरे में डिस्पोजल दारू की बोतल भी देखी गई। वहीं पुलिस के सस्ते रवैये से परेशान हो रहे। लगभग 3 से 4 घंटे चली पूछताछ, पुलिस अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई करने में समर्थ समझ नहीं आई। वही महिला समाज सेवी ने बताया कि किसी पार्टी के दबाव के कारण पुलिस करने कार्रवाई नहीं कर पा रही है और देह व्यापार में लिप्त लोगों को थाने के अंदर ही बैठ कर की जा रही थी पूछताछ। आज अपराधी अपने बयान देने के लिए बाहर बैठ रहे, लेकिन लगातार 3 से 4 घंटे होने के बाद भी बयान नहीं किए गए। पूरी घटना को दूसरा ही मोड़ देने की गतिविधि की जा रही थी। अब इससे तो सरासर लगता है कि इस तरीके के नए व्यापार में पुलिस कर्मियों के पास भी इसका हिस्सा जाता है, जिसके कारण पुलिस कर्मी जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस पूरी घटना में मीडिया को भी इंटरव्यू देने के लिए मना कर रहे थे पुलिस कर्मी के वरिष्ठ अधिकारी। मीडिया के दबाव और अधिवक्ताओं के दबाव के बाद 4 से 5 घंटे के बाद इस जांच में मीडिया को बताया गया कि जांच जारी है और जो उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। यहाँ पर स्पा पे बच्चियों का कुछ मामला है जिसके लिए आप आए, क्या जी मामला है? जी मेरी बच्ची है वो यहाँ पर उसकी सहेली के साथ आई हुई है, जिसकी उम्र अभी 17 साल है। वो यहाँ पर आई है और उसकी सहेली ने ये बताया है कि वो पैसे देते थे और काम जो भी करवाते हुए यहाँ पर ये वो होता था। वो अभी यहाँ पर आना चालू किया है, 1-1.5 महीने हुए हैं, तो वो बता रही है कि वो और उसकी सहेली आती थी यहाँ पर, पैसे दिए जाते थे उन लोगों को। आपको कैसे पता चला कि ये अभी मेरी वही उसकी सहेली ने सारी चीज़ें बताई हैं। और इसका 12th का कुछ एग्जाम था जो आज पेपर था, नहीं दे पाई है वो पेपर इन्हीं सब कारणों से। इन्हें क्या जबरदस्ती किसी तरीके से प्रलोभन पैसे के अलावा भी वो जबरदस्ती की जाती थी कुछ? आपको जबरदस्ती का तो अभी नहीं पता चला, बस पैसे के लिए उसको लालच दिया गया है। किस जगह पर अभी खड़े हैं? ये प्रेम मंदिर के पास सनराइज। आपको जानकारी मिली तो आपने क्या किया इसमें अभी? अभी हमने थाने में कंप्लेंट करी है और यहीं पर आप लोग आए हैं, थाने में कंप्लेंट की हुई है अभी जानकारी के लिए। जी ये कब से यहाँ पर इस काम में ये सब काम चल रहा है भैया? कब से चल रहा है ये तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन हमको जब ये पता चला जी, ये नाबालिग बच्चों से इतना गंदा काम करवाता है ये इंसान, तो हम लोगों को खुद रहा नहीं गया। हम लोग यहाँ पर आके खुद पर्सनली आके हमने मीडिया से भी हेल्प मांगी कि इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लगभग कितनी बच्चियाँ भैया? अभी तो 2 बच्चियों का पता चला है, बाकी आगे पता नहीं और कितनी अंदर कितनी अभी लड़कियाँ बैठी हैं, कितनी बालिग हैं कितनी नाबालिग हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है सारी चीज़ों के, सब जगह से बंद कर दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं, तो अगर गलत नहीं है तो दरवाजे बंद किए इस विषय? वही तो बात है ना, यही सारी बात है। हार्ड डिस्क चेक करने की बात करी तो उन्होंने हार्ड डिस्क पूरी डिलीट कर दी। हार्ड डिस्क क्यों डिलीट कर दी? बोले हार्ड डिस्क हमारे 8 दिन से बंद है और जिस हिसाब से बना हुआ है आप लोग जाके देखिए, अंदर ही अंदर। वहीं सूत्रों से जानकारी लगी कि कुछ दारू और कुछ चीज़ नशीले चीज़ें भी रखी गई थी। ये बिल्कुल मेरे को इस चीज़ का अभी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अंदर गया नहीं जी। हो सकता है अंदर निकले, अब आप लोग चलेंगे अंदर, पुलिस जितनी मदद करेगी उसमें सब चीज़ें पता चलेंगी। मेरा एडवोकेट रवि सिन्हा। महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है स्पा संचालय मतलब स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या, नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कुछ गलत देकर, क्या कहा गया शिकायत? हाँ इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके, तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर बताऊंगा। ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको। ये कल थाना मदन महल एक नाबालिग बच्ची के साथ उसकी माँ के द्वारा पहुँच करके शिकायत की गई कि जो बच्ची है उसके मौसा के द्वारा जो स्पा सेंटर का संचालन किया जा रहा है उसमें उनके द्वारा उस बच्ची को काम करने के लिए जो है प्रेरित किया गया, दुष्प्रेरित किया गया और उसको जो है स्पा सेंटर में जो है कुछ अवैध गतिविधियां करवाई गईं। इसमें थाना मदन महल में पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर ली गई है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है
और उसका पुलिस रिमांड भी इस संबंध में पूछताछ के लिए लिया जा रहा है। कि मामला जो है संवेदनशील था, एक परिवार से ही रिलेटेड था, परिजन पर ही आरोप था, इसीलिए थोड़ा संवेदनशीलता से जो है पूछताछ जो है करके समझा गया। और बच्ची भी जो है नाबालिग थी तो उसको अपना समय जो लगा, तो अल्टीमेटली इसमें जो FIR हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।